नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। अमझेरा धार जिले के टांडा में प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि अशोक मांझी अपनी पत्नी और दो बेटियों से हाथापाई कर लकड़ी और लात घूंसों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना धार जिले के टांडा थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास की है। इस मामले में टांडा थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। धार जिला महिला उप पुलिस अधीक्षक यशस्वी सिंधे ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी अशोक मांझी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। वायरल वीडियो को लेकर धार से भाजपा विधायक नीना वर्मा ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात की है। उन्होंने कहा कि आरोपी होता है प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि का मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कमलनाथ से भी आरोपी पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर कांग्रेस से निकालने को कहा गया है। टांडा थाने पर एक महिला जो फरियादिया है, इसके द्वारा शिकायत की गई थी कि ये संबंधित व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम अशोक मांझी है, उसके साथ सार्वजनिक स्थान पे मारपीट की गई और उसको हरेस किया गया। उस आधार पर विभिन्न धाराओं में थाना टांडा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। मैम, क्या संबंध है दोनों के बीच में? दोनों पति पत्नी है। और वीडियो में और दो लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं। वो दोनों उनकी बेटियां हैं। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध धार यशस्वी शिंदे। देखिए, वैसे तो मैंने अभी वीडियो देखा नहीं है, लेकिन जैसा भी आप कह रहे हैं, आपकी बात पे यकीन करते हुए अगर उन्होंने इस तरह का कोई भी हरकत करी है, महिला के साथ मारपीट करना या महिला के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार करना, ऐसा ही नहीं है। पार्टी यदि जो कहती है उसी पे अमल करना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी से मैं आपके मार्फत से निवेदन करूंगी कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जनता भी अपने स्तर पे उन्हें जितना भी हो सकता है, समाज उन्हें अपने से बेदखल करे, क्योंकि सरकार पार्टी अपनी जगह होती है, समाज यदि उसमें अपनी भूमिका निभाएगा, परिवार उसमें अपनी भूमिका निभाएगा, तो आने वाले समय में वो इस तरह की हरकत कभी करने की और भी कोई व्यक्ति सोच नहीं पाएगा। तो मेरा तो यही है कि पार्टी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तत्काल पद से हटाते हुए, और जल्द FIR दर्ज करनी चाहिए। बिल्कुल, FIR हो गई है तो उन्हें अरेस्ट करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। खबर समय जगत के लिए अमझेरा से मुकेश राठौर की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।